अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, कल क्या हुआ, कल यार मैं ठीक से डाइट ले नहीं पाया। बाकी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अगर दिखाऊंगा अभी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कब लिख रहा हूँ, डेट वाइज, अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं उसको शो करूँ सबको। इस प्लेस के बारे में बता दूँ आपको, ये है काठगोदाम, नैनीताल यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज नज़ारा देखो पहले, फिर बात करते हैं। वाह क्या मस्त है। तो आज है 1 सितंबर और मैं हूँ हल्द्वानी में फ़िलहाल। आया था, कल था रक्षाबंधन, तो आज आया था ससुराल। तो आज मॉर्निंग रनिंग तो पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो रही थी और यहाँ भी आया हुआ था, लेकिन स्किप नहीं करेंगे एक्सरसाइज़ को। तो एक्सरसाइज अभी ऊपरी कर लेते हैं। फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 8 और आज मैंने ले रखी है छुट्टी, तो थोड़ा लेट ही सही लेकिन एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कल रात को लगभग 2 बजे सोए थे सब बातचीत करते हुए घर के लोग मिलके, तो इस चक्कर में लेट हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, लेट हो सकता है डिले, और डिले पॉसिबल है लेकिन स्किप पॉसिबल नहीं है। ओके तो चलो फिर पहले नज़ारे दिखाते हैं और फिर थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये है भाई साहब, क्या पहाड़ है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन भाई साहब आँखों से, खुली आँखों से क्या मस्त दिख रहा है इधर। और वो सामने तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होगा, जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये कोहरे की एक लेयर लगी हुई है बादल की और मस्त दिख रहा है, और हल्की हल्की धूप है बिल्कुल। कल यहाँ बारिश हुई थी ज़बरदस्त और किच्छा में तो नहीं हुई, और बाकी ऊपर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है, मैं 10 से 15 के बीच डिप्स कर पाता हूँ, ये 10 से 15 के बीच खाली, इतना सा स्टेमिना है। और एक टाइम हुआ करता था 70, 80, 90 एक बार भी, दोबारा से ऐसा आएगा मौका, लेकिन तब तक लगे रहो।
आज की एक्सरसाइज हो चुकी है, बस ये है कि गैप नहीं करना था इसीलिए 20-25 मिनट जितनी करनी थी उतनी कर ली। कम से कम खुद को एक आत्मबोध नहीं होना चाहिए ना कि यार तुमने चैलेंज लिया है, एक्सेप्ट किया है और तुम बीच बीच में गैप कर दे रहे हो। तो आज रनिंग ना सही, एक्सरसाइज तो की तो गैप नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ कल क्या हुआ। कल यार मैं ठीक से डाइट ले नहीं पाया। कल था रक्षाबंधन तो घर में बनी थी पूड़ी, चावल, छोले, पकवान, मिठाई। अब यार 3 दिन पहले रूटीन शुरू किया है कि हेल्दी खाएंगे और चौथे दिन पूड़ी चावल खा लें। चावल तो वैसे ही मना किए हुए हैं तो राइस मैं खा नहीं सकता, रोटी बनाई नहीं किसी ने, और पूड़ी तो फिर उससे भी ज़्यादा बेकार है, चावल से भी ज़्यादा। तो कल खाली सब्ज़ी खाई गई, केले खाए गए, हाँ एक दो पीस मिठाई के ज़रूर खा लिए थे जो ना चाहते हुए भी खाने पड़ गए थे। तो कहने की बात ये है कि कभी कभी जब टास्क निपटा रहे होते ना तो अंदर से एक इनर वॉइस आती है कि यार मत खा। मन तो था लेकिन बस वही था इनर वॉइस कि भाई 75 दिन से पहले उतना तो कंट्रोल कर ले, बाद में देखी जाएगी। तो बस यही था, लेकिन अच्छा भी है। आज के दिन की एक्सरसाइज तो हो गई है और ख़ास बात दूसरी ये कि जो रीडिंग है वो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। आपको बुक दिखाई थी मैंने, यू कैन हील योर लाइफ। तो आज बाकी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अगर दिखाऊंगा भी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कब लिख रहा हूँ, डेट वाइज। अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं उसको शो करूँ सबको, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। और आज का प्लान ये हो सकता है कि हम कहीं घूमने जाएं पहाड़ों पर, या फिर नुमाइश भी लगी ना हल्द्वानी में, तो अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का ब्लॉग आपको दिखाएंगे ज़रूर। ओके, तो फिलहाल के लिए बाय और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर कल सुबह। टेक केयर। इस प्लेस के बारे में बता दूं आपको, ये है काठगोदाम, नैनीताल यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। और ये स्पेशल जो पर्टिकुलर जगह है ये है काठगोदाम के पास, काठगोदाम मेन काठगोदाम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो ये है दमुआ डोंगा और यहाँ पे ये पूरा पहाड़ पे ही बसा हुआ है। तो हल्द्वानी का हिस्सा और लेकिन हल्द्वानी की जो खूबसूरती है वो यहाँ से ज़्यादा फील होती है। और यहीं पर है अपनी ससुराल। तो भाई साहब द बेस्ट प्लेस यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जगह पे। बाय बाय बाय।